नमस्कार दोस्तों, द इंडियन सेल्समैन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपांकर और मैं सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट लीड जनरेशन के ऊपर वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। तो अभी इस वक्त मैं हांगकांग में हूँ। मैं अपनी कंपनी की तरफ से आया यहाँ पर, मुझे एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैंने सोचा वाई नॉट टू ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू लर्न। कभी भी कुछ सीखने को मिले कभी मना नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं वैसे वाले बात नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ और बात करने वाला हूँ। मेरे दिमाग में कुछ और टॉपिक चल रहा था और बट मैंने फिर भी बोला कि मैं ये बात बोल दूं क्योंकि बहुत दिल में आती है। लोग कोशिश करते हैं कुछ आगे करने के लिए, हिम्मत नहीं जुटा पाते और बहुत बार अपने आप से लड़के झंझोड़ के ना और वो चीज़ के लिए मना कर देते हैं। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मेरे पास पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई लाइफ में, मैंने मना कर दी। मुझे लगता था कि शायद ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम मैं था, खुद था। मैं खुद ही चीज़ों को नहीं लेना चाहता था अपने सर पर। मुझे लगता था बहुत सरदर्दी हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बट समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज गिव्स यू मेक यू व्हाट यू आर टुडे। तो कभी भी मना नहीं करना है, ओके? तो जो लोग नए हैं इस चैनल पर, मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर इट विद द पीपल हुम यू लव, हुम यू थिंक दैट यू वांट टू ग्रो इन देयर लाइफ। मैं इस चैनल पर सच में बहुत रॉ कंटेंट लेकर आता हूँ, मैं और लेकर आता रहूँगा। मेरे साथ आप जुड़ोगे तो मैं आपको शायद यही हमेशा बताने की कोशिश करूँगा कि पिछले 13 साल के अंदर मैंने सेल्स में क्या चीज़ें सीखी। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे बताऊँगा, मैं आपसे अपनी लर्निंग शेयर करूँगा, मैं अपनी मिस्टेक्स आपसे बताऊँगा, ज्ञान भी बांटूंगा ऑब्वियसली जो मैं सीखता हूँ। मगर जो मेरा टॉपिक है वो इसी पर है। आपने मुझे या किसी भी इंसान को YouTube पर, Instagram पर, LinkedIn पर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। तो द पीपल हु आर एक्चुअली कमिंग टू दिस चैनल, बहुत सारे होते हैं जो यंग लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो अभी MBA फ्रेशर्स होंगे, कॉलेज फ्रेशर्स होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लड़के होंगे जो भी सेल्स कर रहे होते हैं। मैं ऐसा इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आए दिन 3-4-5 मैसेजेस लिंक्डइन पर जरूर आते हैं। पीपल सी मी कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, आई राइट कंटेंट ऑन लिंक्डइन, वो देखकर लोगों को लगता है कि इसको बहुत नॉलेज होगी, ज्ञान बांट रहा है तो कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। फिर वो मुझसे बताते हैं आपने क्या किया था या आप क्या कहते हो, मैं कहाँ जाऊँ, कौन सी इंडस्ट्री में जाऊँ, लगता है कि हो जाएगा। कुछ जॉब्स के लिए भी आते हैं। देखो यार, ऐसा है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये ना एक बहुत बड़ा स्कैम है जो हमारे दिमाग के अंदर ना इंस्टिल किया गया है जब से हम लोग यूट्यूब को ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं, कि किसी के ब्लूप्रिंट को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हो। ब्लूप्रिंट वो चीज़ है, जब सबको पता है ब्लूप्रिंट क्या होता है, वो नक्शा जिसके ऊपर आर्किटेक्ट अपनी बना के रखता है, वो बिल्डिंग उस पर खड़ी की जाती है, राइट? मेरे ब्लूप्रिंट पर सिर्फ मेरी बिल्डिंग ही खड़ी हो सकती है, आपकी नहीं हो सकती। और ऐसा ना सबके साथ रहने वाला है। यू कैन नॉट क्रिएट योर लेगेसी ऑन माई ब्लूप्रिंट। मेरी सक्सेस को देखकर ना कोई पीछे सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। मैं हालांकि इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं, बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि जैसे मैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करता हूँ, मैंने लिखा उसके बारे में। हो सकता है कुछ लोग शायद लिंक्डइन में पढ़कर ये बोलें कि यार खुद बोलता है कि 5 लोगों के साथ रहो, 6 लोगों के साथ रहो जो सर्कल है, और आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, आप लोग आगे बढ़ोगे। येस, यू विल ग्रो, बट यू विल लर्न फ्रॉम देम। आप उनसे सीखो, आप सेल्फ हेल्प बुक से सीखो। सीखना जरूरी है, बिकॉज सीखने से ये हो जाता है कि आपको एटलीस्ट पता होता है कि क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। मगर उसके ऊपर जो भी करना है, एक्शन लेना है, वो आपने लेना है। सिचुएशंस अलग होती हैं। जो 5 लोग मेरे साथ है, 6 लोग या 7 लोग, जो भी 5 तो बोला जाता है, 5-6 लोग जिनके साथ मैं बात करता हूँ कंटिन्यूसली, टच में रहता हूँ, मेरे इन्फ्लुएंस में, उनके इन्फ्लुएंस में रहता हूँ, वो अलग अलग लोग हैं। उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग था, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग था, उनकी अपब्रिंगिंग अलग थी, उनके पास मौके अलग थे। एक इंसान जिसकी एज आज 45-48 है, एक है जिसकी 40 है, एक है जिसकी 38 है, एक है जिसकी 32 है। अभी ऐसे कुछ 4-5 लोग हैं, उनके पास उनकी फैमिली कंडीशंस अलग थी, उनके रिलीजन अलग हैं, उनके पास उनकी बंदिशें कम है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि तुम जो है अगर कुछ भी करना चाहते हो तो मैं इसी सिटी में रहना पड़ेगा, दिल्ली के अंदर, यू कैन नॉट गो आउटसाइड। हम नहीं कर पाएंगे भाई कि अफोर्ड कि तुम बाहर जाओ। अब मेरी कंडीशंस अगर रिस्ट्रिक्टेड हो गई मान लो, तो क्या मेरे पास ऑप्शंस बचते थे कि मैं एक स्टेशन जगह पर रहकर मे बी आउटसाइड ट्रेवल कर सकता हूँ, बट मुझे आना उसी जगह पर है, ओके? मगर मेरे साथ जिन इंसानों की बात करूँ, उनमें से 2 ऐसे इंसान हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी है कि उन्होंने एक जगह पर रुक कर काम ही नहीं किया, हर 3-4 साल में दे टुक ट्रांसफर एंड दे वेंट टू वेरियस प्लेसेस। तो उनका अलग ग्रोथ थी। आज अगर मैं लड़के अपने माँ बाप से बोल दूँगी जी मुझे तो उनकी तरह बनना है, मैं तो आगे बढ़ूंगा तभी जब मैं घर छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता। तो ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ये मास्टर क्लास, सी इट्स ओके इफ यू वॉन्ट टू पे मनी, इट्स ओके इफ यू वॉन्ट टू बाय द कोर्सेज। हो सकता है आज मैं यहाँ बैठकर एक रॉ वीडियो बना के आपके सामने बोल रहा हूँ और कल मैं एक अच्छा कोर्स लेकर आ जाऊँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं कोर्स को चार्ज ना ही करूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार कोर्स वोर्स नाम की चीज़ें थोड़ी सी ना मुझे थोड़ी सी ऑफ बीट लगती है।
आई एम स्टिल नॉट एबल टू बाय दी पार्ट की कोर्स बनाना बेचना, डिजिटल कोर्स बना दो बेच दो, ठीक है पैसा कमाता है आदमी उससे, मगर मैं थोड़ा सा इस मामले में पीछे हूँ और बैकफुट पर रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैं ऐसे वीडियो लेकर शेयर करना ज़्यादा पसंद करूँगा, मुझे कोर्सेज बेचने का वैसे कोई शौक है नहीं, तो हो सकता है मैं ना भी बेचूँ। बट माई पॉइंट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी बिग स्कैम दैट इज बीन पुट इन अवर हेड, इन अ लॉट ऑफ पीपल हेड, दैट फॉलोइंग अ फुटप्रिंट ऑफ समबडी विल मेक यू दैट पर्सन। यू लर्न फ्रॉम देम, यू टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम देम, यू अंडरस्टैंड व्हाट पिटफॉल्स दे हैड, यू अंडरस्टैंड उनके क्या चैलेंजेस थे, बस वो देखो और उसे समझो, मगर सोल्यूशन तुम्हारा अलग होगा। समुद्र में अगर किसी ने तैरने के लिए वो रास्ता चूज किया, आज वहां शार्क नहीं आई, कल वहां शार्क आ गई, तुम मर जाओगे। तो बिना बात पे ऐसे ना जबरदस्ती किसी की बात पकड़कर मत बोलो, कि मत सोचो कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपका लाइफस्टाइल अलग है, आपकी जिंदगी अलग है। तो आज की वीडियो में बस मुझे यही बोलना था। मुझे यंगस्टर्स के जब मैसेजेस आते हैं, मैं उन्हें बोल नहीं पाता हूँ दिल से खोलकर, हालांकि मैं उन्हें बता देता हूँ कि भाई मेरा अलग है तुम्हारा अलग है, बट उनको कभी कभी लगता है मैं उन्हें डिस्करेज कर रहा हूँ कि नहीं नहीं मेडिकल डिवाइस में मत आओ, इधर मत आओ उधर मत आओ। मैं मना किसी को नहीं करता, मैं बिजनेस के लिए भी मना नहीं करूंगा, जो करना है वो करो, बट किसी एक इंसान के लिए को फॉलो मत करो। सुनो उसे, समझो उससे, मगर ब्लाइंडली फॉलो मत करो, डोंट फॉलो एनीबडी ब्लाइंडली। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी वीडियोज में किसी और दिन लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।